पर कर्नल वॉन्ट पुश अप सर, ये सीजन लगभग खत्म होने वाला है, हमें इनको हर हाल में हराना होगा वरना ये धीरे धीरे सुपर लीग फाइनल तक पहुँच जाएंगे। ये डरावना लग रहा है पर फिर भी मैं सहमत हूँ। हाँ कोच, क्या ये गेम हमें किसी भी हाल में खेलना होगा? नहीं गाइस, इसमें बहुत ज्यादा खतरा है। ओके ठीक है कोच, है कोच। हा, तुम सबके सब डरपोक हो। नहीं ऐसा मत करना। देखा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी। और अब जब सुपर लीग फाइनल सिर्फ कुछ हफ्ते दूर है, सब सोच रहे हैं कि सुपर स्ट्राइकर्स और आयरन जायंट अपना कैंसल हुआ मैच कब खेलेंगे। Guys, आप वो एक बार फिर से कहेंगे कोच? क्योंकि सुपर लीग हमारे आयरन टैंक मैच को इस हफ्ते के लिए रीशेड्यूल नहीं कर पाया, तो अगले हफ्ते हम खेलेंगे हाइड्रा के साथ, आयरन टैंक के साथ और इनविंसिबल यूनाइटेड के साथ। मैं जानता था आप यही कहेंगे कोच। हमारी हालत खराब हो जाएगी। मुझे लगा था हमारे पास इस सीजन के फाइनल में पहुँचने का मौका है, पर घबराओ नहीं, हमारे पास एक प्लान है। फर्स्ट टैक्टिक्स। क्या बात है, सीक्रेट ट्रेनिंग मैनुअल। सेकंड रिकवरी। कूल। और थर्ड यम 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 न्यूट्रिशन। चिकन और राइस। ओह प्लीज ब्रदर। तीन गेम्स वो भी पांच दिन में, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, फिजिकल और साथ में मेंटल थकावट, और किसी भी तरह की कोई प्राइवेसी नहीं होगी। दोस्तों देखो, मैं जानता हूँ ये आसान नहीं होगा, पर अगर हमने ये कर लिया तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो चलो कुछ ऐसा करते हैं जिसे अपने ग्रैंड किड्स को सुना सके। ओके बेशक कैप्टन, ऐसा ही होगा। मैं अपने ग्रैंड किड्स के लिए एक डायरी रखूंगा। बढ़िया रास्ता, मैं नंबर 4 भूल गया था, मोटिवेशन। सच्ची लगन ना हो तो प्लान कामयाब नहीं होता। पहला दिन। डियर ग्रैंड किड्स, ये तुम्हारे पैदा होने से कई साल पहले की बात है। हम समुद्र की ऊंची लहरों पर सवार होकर सुपर लीग फाइनल के अपने सफर की पहली स्टेज में हैं। टाइम। और अब पेश है हॉट डॉग सरप्राइज। बर्गल बर्गल। मुझे तो लगा था कोई गंदी सी चीज लेकर आओगे। ये हॉट डॉग्स नहीं है, चिकन और राइस। मुझे लगा था चुपचाप खा लोगे और तुम्हें फर्क पता नहीं चलेगा। हॉट डॉग्स खाकर तुम हाइड्रा का सामना नहीं कर पाओगे, उनकी स्पीड की बराबरी करने से भी तुम मैच को जीत नहीं पाओगे, इसलिए ये है प्लान। सच में कोच, आपने अच्छी तरह सोच लिया है। रिलैक्स डूमा, जब तक सुपर स्ट्राइकर्स हमारे साथ खेलेंगे वो इतने थक चुके होंगे कि हम उनकी चटनी बना देंगे। इस तरह के चैलेंजेस पूरी टीम को एक कर सकते हैं स्कारा। ओके, तो क्या किया जाए? हम द क्रंच के हर कदम पर नजर रखेंगे। लाओ मुझे दो। फ्लोटिंग स्टेडियम में अच्छी धूप, ये तूफान से पहले की शांति है, क्योंकि सुपर स्ट्राइकर्स खेलेंगे बैक टू बैक गेम्स। ब्ला ब्ला ब्ला, फुटबॉल फुटबॉल, ली 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 ली। ब्रेंडा, मैं वार्म अप कर रही हूँ। मेरे जमाने में हम ब्रेकफास्ट से पहले 3 मैचेस की कमेंट्री दे देते थे, तो फिर ये मैच मेरे सामने क्या चीज है? तुम इस बारे में श्योर होना कैप्टन। हम रूल्स के हिसाब से चलेंगे एल मैटाडोर। आगे बढ़ रहे हैं, पर मैन इन रेड ने सामने एक लाइन बना दी है। एक नहीं, 2 लाइन। और जवाबी हमला। बॉल बैक, बॉल बैक।
को स्ट्राइकर्स खेलते खेलते अचानक रुक गए। हाँ? जो भी करो ब्रेंडा, वो एक चैंपियन की तरह करना चाहिए। बहुत देर हो गई ये सुस्ती। सुपर स्ट्राइकर्स ने सुस्ती के बाद दिखाई चुस्ती। एल मैटाडोर पूरे जोश में। ये क्या, एल मैटाडोर से बॉल छीन ली है उनके अपने ही कैप्टन ने। अभी रुक जाओ, जब मैं बताऊंगा तब। ठीक है, तो अब हो जाए। अब सुपर स्ट्राइकर्स ने जबरदस्त हमला कर दिया है। कमाल है, क्या हाइड्रा की टांगों में इतना दम है कि वो उन्हें रोक सके। अच्छा क्रॉस। और गोल। अब क्या कहना चाहोगे डूमा? मेरी नींद खराब करने के बाद सुपर स्ट्राइकर्स ने आखिर में गोल करने के लिए अपनी एनर्जी को बचा कर रखा। मुझे लगता है तुम इस कवर पर छपने लायक हो। वो ये कारनामा सिर्फ अपने कैप्टन के डिसिप्लिन की वजह से कर पाए। सही कहा, शायद इसीलिए वो 3 पेजेस पर है। मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। दूसरा दिन। डियर ग्रैंड किड्स, हम आयरन टैंक का सामना करने के लिए एल्प्स की फ्लाइट में हैं। एरोप्लेन्स फ्लाइंग, ये चीजें तुम्हारी टेलीपोर्टेशन डिवाइसेस के मुकाबले पुरानी होंगी। किसी का कुछ स्वादिष्ट खाने का मन है? ये फिर से इसका आनंद लो सुपर स्ट्राइकर्स। मैं बताता हूँ, राइस क्रीम और चॉकलेट सॉस बहुत गंदा है। दोस्तों, कोच हमें पहले ही एक जीत दिलवा चुके हैं, हम प्लान के हिसाब से ही चलेंगे। जैसा आप कहें कैप्टन। पिछली गेम में तुमने अपनी एनर्जी बचाई थी, लेकिन इस गेम में तुम्हें अपने आप को बचाना होगा, अपने ऑपोजिशन से दूर रहकर। कोच, हमने 2 दिन पहले ही एक मैच खेला है, तो हम कल तक अपनी टॉप फिजिकल कंडीशन में कैसे पहुंचेंगे? जिम जाकर। मैं डरपोक नहीं हूँ। ट्रेडमिल पर दौड़कर या फिर बॉक्सिंग करके। डरपोक नहीं, तुम्हें जो चाहिए वो है एक बात। क्या बात है? ये क्या, ये तो बहुत ठंडा है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कोच? रॉफ, सोमैटिक टेम्परेचर को नीचे लाने से लैक्टिक एसिड कम होता है, जिससे मसल रिकवरी तेजी से होती है। अच्छा, और ठंड से तुम्हारी मसल्स डबल स्पीड से नॉर्मल होती है। मैं अपनी मसल्स फील नहीं कर पा रहा। मैं तो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, सिवाय अपनी गर्दन पर तुम्हारी सांसों के। दूर रहो बॉक। ऐसे में टीम स्ट्रॉन्ग होगी या बीमार होगी। कोच, मुझे बाहर आना है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो इसे द क्रंच क्यों कह रहे हैं। कल के बाद उन्हें इसे द स्क्विश या द स्क्वाश कहना पड़ेगा। यस मुश। तू हंसा क्यों नहीं, डरपोक? मैं अपने डॉगी का नाम रखने वाला हूँ लिटिल। क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ कल के मैच में तुम डांसिंग रास्ता को घायल करो। अपने ये उल्टे काम तुम खुद क्यों नहीं करते? नहीं, यह मसल ट्रॉन 6000
आज तक की सबसे अच्छी ऑल ओवर मसल बिल्डिंग मशीन, जिसे कई लोगों को चोट लगने के बाद बैन कर दिया गया। तुम्हें ये कहां से मिली? तो ये डील फाइनल हुई। अगर ऐसे ही डरपोक बन के रहना है तो बात अलग है। फोर्ट्रेस में मैच का दिन। कॉम्पिटिशन में रहने के लिए दोनों टीम्स का जीतना जरूरी है। कोई प्रेशर नहीं है। मैन इन रेड की स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है मैच। सही कहा ब्रेंडा, टैंक से दूर रहने में ही भलाई है। डांसिंग रास्ता का पास पर वहाँ कोई नहीं है। शेक्स अचानक ही वहाँ पहुँच गए हैं। बार पोस्ट। लग नहीं रहा कि सुपर स्ट्राइकर्स ने दो दिन पहले ही मैच खेला था। प्रोफेशनल्स बाउंस बैक करना जानते हैं ब्रेंडा। बिल्कुल सही कहा मैक। ये है मसल ट्रॉन 6000। अब आएंगी मसल्स अच्छी शेप में। जो देखेगा वो चलेगा और टीम आप पर नाज करेगी। ऑल बैक, ऑल बैक। अब होना चाहिए एक लगता है थोर की इस चाल से सुपर स्ट्राइकर्स के कैप्टन को चोट लग गई है। ओह नो, तुम ठीक तो हो ना ब्रदर? शायद ज्यादा लग गई है कैप्टन। रेड कार्ड दिखाया जाएगा। जाहिर है रेफरी एक बर्थडे कार्ड तो नहीं ढूंढ रहे। ये एक पैनल टी ने अपना दूसरा मैच भी जीत लिया है। बस एक और उसके बाद हम फाइनल में। बहुत अच्छा खेले गाइस। इनविंसिबल यूनाइटेड हम आ रहे हैं। तीसरा दिन स्ट्राइका कैंप में मूड बहुत अच्छा है। क्या हुआ कैप्टन? मैं ये तुमसे छुपाना नहीं चाहता था दोस्तों, पर मैं इनविंसिबल यूनाइटेड को ये नहीं दिखाना चाहता था कि मुझे ज्यादा चोट लगी है। चौथा दिन सुपर स्ट्राइकर्स कैंप में मूड बहुत बुरा है। तुम भी ना? अरे यार, पर मेरे प्यारे ग्रैंड किड्स, प्रोफ के पास एक न्यूरोमायल्जी क्रायो चेंबर। न्यूरोगुजमिदी। और अब मेरे जाबाज खिलाड़ियों के लिए एक खास चीज। ओह, ये क्या हो सकता है? एक राइस बर्गर और फ्राइज। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट है झूठ। थोड़ा अच्छा खाना नहीं oh, है? कम ऑन, ये नहीं चाहिए। ये असली फ्राइज है। हम चाहते थे कि तुम्हारा दिल खुश हो जाए। अच्छा किया कैप्टन। याद रहे, हर प्लान में कुछ झटके लगते हैं, पर जितने झटके लगते हैं ग्रैंड किड्स के लिए उतनी अच्छी कहानियां बनती हैं। प्रोफ का डिवाइस ये पक्का करेगा कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तो तुम लोग मेरे साथ हो? हम आपके साथ हैं। हम साथ हैं। पांचवा दिन, द क्रंच का आखिरी दिन। काश कि तुम लोग भी यहाँ होते। तुम्हारे पास तो टाइम मशीन होगी ना, तो तुम आराम से। अच्छी प्रोग्रेस, आप तीनों जीत पाएंगे। आपकी आज की स्ट्रेटेजी क्या है कोच? कंपटीशन के इस स्टेज पर गेम सिर्फ हारी या जीती जाती हैं।
दो दिन पहले आयन टैंक की वजह से मैच में गहरी चोट लगी थी डांसिंग रास्ता। वो चोट उतनी गहरी थी नहीं जितनी लग रही थी। देखा वो ठीक है, उम्मीद है थॉर को अपनी मसल टॉन नहीं दी होगी। डिंगा! उतनी गहरी नहीं है जितनी लग रही थी, जल्दी ही पता लग जाएगा। लगातार दो मैच जीतने के बाद अब सुपर स्ट्राइकर सुपर लीग फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक और जीत की दूरी पर। क्या इनविंसिबल यूनाइटेड उनको ये मौका लेने देगी मैक? क्या सुपर स्ट्राइकर्स अब भी कामयाब होंगे? मेरी तरह वार्म अप कर लेना चाहिए था। कैप्टन को टारगेट कर रहे हैं। भागने के लिए कोई जगह नहीं है डांसिंग रास्ता, अगर तुम अब भी भाग पा रहे हो। वो हमें रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं ग्रैंड किड्स को एक मैसेज भेज रहा हूँ कि वो समय में वापस आकर जीतने में हमारी मदद करें। इसका फैसला करना आसान नहीं होगा। दो फाउल सच में? लेकिन ये तो I'm sorry guys, उस गहरी चोट के ठीक होने के लिए सिर्फ दो दिन काफी नहीं थे और ये बात डूमा को पता थी। इस बार रेफरी के लिए फैसला करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सुपर स्ट्राइकर्स को मिलता है फ्री किक, पर इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। डांसिंग रास्ता, मुझे सुन पा रहे हो? कैप्टन ठीक हो? कैप्टन, कैप्टन, मैंने कहा था ना मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, अब क्या तुम मेरे साथ हो? डांसिंग रास्ता का एक छोटा सा पास। शेक्स, ये लोग अब भी फाइनल में जाने के लिए सीरियस नजर आ रहे हैं। अपने मार्कर पर रहो बॉयज। शेक्स ने बॉल को यूनाइटेड के इलाके में पहुंचा दिया है और अब डांसिंग रास्ता, देखते हैं क्या होता है। उसे रोको। चिकन एंड राइस पॉपकॉर्न, हमें भी वही खिला दिया तुमने। शाबाश, जल्दी करो। और ये फाइनल विसल और इसी के साथ सुपर स्ट्राइकर सुपर लीग कैंपेन से बाहर हो चुके हैं और वो सब अपसेट हैं। ऐसी बात नहीं है ब्रेंडा, वो बहुत खुश लग रहे हैं। Come on guys, तुम हमें इतनी दूर तक लेकर आए हो कैप्टन, अब हम भी तुम्हें थोड़ी दूर तक ले चलते हैं। हाँ, तुम सबसे बेस्ट हो। माल कर दिया कैप्टन, क्या बात है। हा, 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 हा,
इनविंसिबल वंस मोर। लोकल हीरोज ने बारका को हराकर सुपर लीग ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इनविंसिबल यूनाइटेड का सीजन बहुत अच्छा रहा, पर कैप्टन यूनाइटेड ने जानबूझकर तुम्हारी चोट को टारगेट किया। शेक्स मेरे दोस्त, हम दूसरों की गेम को कंट्रोल नहीं कर सकते, पर हाँ अगले सीजन के लिए अपनी गेम को और अच्छा जरूर कर सकते हैं। ये है पुराना मसल ट्रोन 6000। इसका पूरा फायदा उठाइए। एक मसल ट्रोन 6000? आखिर वो थोर को कहां से मिल गई? उसको मेरे ग्रैंड किड्स 1980s से ढूंढ कर लाए होंगे ताकि हमें सुपर लीग को जीतने में मदद मिले, पर उन्होंने वो गलत टीम को दे दी। तुमने अपने ग्रैंड डैड को बहुत निराश किया है। अब कुछ भी भेजने से पहले एड्रेस ठीक से कंफर्म कर लेना।